Rakshani, and now I'm going to start your lesson number 4, heat and temperature, page number 37, transformation of heat energy. Transformation का means होता है when one type of energy get transformed into or get changed into another form of energy. यानी एक type की energy जो है वो दूसरी energy में change होना, convert होना, उसको हम transformation बोलते हैं. Here are some examples. यहाँ पर कुछ examples दिए गए हैं आपको. टू शो, ये दिखाने के लिए दैट हीट एनर्जी कैन बी जनरेट फ्रॉम एज वेल एज ट्रांसफॉर्म, की जो हीट एनर्जी है उसको हम जनरेट भी कर सकते हैं, उत्पन्न भी कर सकते हैं, और साथ साथ हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, दूसरी एनर्जी की फॉर्म्स में. इन अ थर्मल पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन में क्या होता है, हीट एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो हीट एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती है, चेंज हो जाती है. इन अ स्टीम इंजन, स्टीम इंजन जो होता है भाप का इंजन, हीट एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इंटू मैकेनिकल एनर्जी, इसमें क्या होता है जो हीट एनर्जी जनरेट होती है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में. ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ अ गीजर और अ हीटर, यदि हम गीजर या हीटर की वर्किंग को देखें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो ट्रांसफॉर्म होती है हीट एनर्जी में. इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इंटू हीट एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, किसके, फिलामेंट के, क्योंकि बल्ब में क्या होता है फिलामेंट होता है जिसकी वजह से हमें रोशनी मिलती है और हीट जनरेट होती है, विच इज देन कन्वर्टेड इंटू लाइट एनर्जी, और उसके बाद वो हीट एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी में, जिसकी वजह से हमें लाइट मिलती है. इफ यू रब योर पाम्स टूगेदर, अगर आप अपनी हथेलियों को रगड़ेंगे तो दे बिकम हॉट, वो गर्म हो जाती है. हियर द मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ पर क्या होता है, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो ट्रांसफॉर्म होती है, कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में. इन ए न्यूक्लियर पावर प्लांट, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है वो चेंज हो जाती है हीट एनर्जी में, एंड देन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है. इफ यू आर अ लिटिल ऑब्जर्वेंट एंड लुक अराउंड योर सेल्फ केयरफुली, अगर आप थोड़े से ऑब्जर्वेंट हो और अपने चारों तरफ देखें तो आप क्या देखेंगे, यू विल बी एबल, तो आप देख पाने में इस योग्य होंगे टू अंडरस्टैंड, और समझने में दैट मैनी फिनोमेना अराउंड यू, बहुत सारी जो प्रक्रियाएं हैं आपके चारों ओर इन्वॉल्व करती हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी, हीट एनर्जी को चेंज करती हैं, कन्वर्ट करती हैं दूसरी एनर्जी की फॉर्म्स में. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.